हम इसके अंदर डालेंगे ये क्रश किया हुआ नारियल, धीमी आंच पे ही रखेंगे, इसे हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे ये गुड़, ये थोड़ा मेल्ट हो गया है गर्मी की वजह से, मेल्ट किया हुआ गुड़ इसी में डाल लेंगे और दोनों को मिक्स करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये मोदक के बीच में फिल करने के लिए हमारा नारियल और गुड़ का मिक्सचर रेडी है। आप चाहें तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इसमें ये कुछ क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको भी हम इसी में डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। हम गैस जलाएंगे, इसमें हम डाल देंगे पानी, इसे गर्म होने देंगे। इसी में हम डाल देंगे एक चम्मच घी, घी इसमें गल गया है, मेल्ट हो गया है, हम उसे डालेंगे एक कटोरी चावल का आटा। इसको धीमी आंच पर पकाएंगे, इसमें मतलब मिक्स करेंगे पानी में। ये कुछ ऐसे हो जाएगा। हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ढक के इसे दो चार मिनट ऐसे ही धीमी आंच पे पकने देंगे। हम इसको दो चार मिनट बाद इसे देखेंगे, इसे स्टीम निकल रही है, देखिए। और ये अब हो गया, अब इसे थाली में निकाल लेंगे। हम इसको इसमें ऐसे करके निकाल लेंगे और हमें इसे हाथों से मसलना है अच्छी तरह। इसे हाथों से मसल के इसका एक आटा तैयार करेंगे। अभी तो ये गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए, इसे हाथों से मसल के आटा तैयार करेंगे। अभी हमारा चावल का आटा बन चुका है। हम इसको इधर से थोड़ा थोड़ा लेंगे, हाथ पे घी लगा लेंगे, मैंने लगा रखा है। और हमने ये एक चकई ले ली है, हाथ पे घी लगा रखा है मैंने, और इसको इस तरह से लेंगे और इसकी एक छोटी सी चकई सी बनाएंगे। ये जो हमारा मिक्सचर है इसको इसमें फिल करेंगे, जो हमने बनाया था इसको फिल करके फिर इसको पूरी तरह से ऐसे ज्वाइंट करेंगे, इसको हर तरफ से बंद कर देंगे। अगर आपके पास मोड है इसको बनाने वाला सांचा तो उसका उपयोग करें, और अगर वो नहीं है तो ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से भी बनाने में। इसको मोदक की शेप दे दीजिए धीरे धीरे, जैसे मोदक होता है वैसी शेप, जैसे ये मैंने दे दिए इसको थोड़ा मोदक की शेप दे दिए, देखिए। और उसके बाद ऐसा ये फोक लेना है और इससे इस पर ऐसे करके आप बना सकते हैं मोदक जैसा निशान, जैसे कि उसके सांचे में होता है वैसा। ये देखिए हमारा मोदक कुछ इस तरह का बनेगा, ऐसे करके हमें सारे मोदक बना देने हैं। ऐसे करके हमने इसे कर लिया है और धीरे धीरे हम इसकी इसको बंद कर देंगे ऐसे करके। इसको कुछ मोदक की शेप दे देंगे ऐसे करके, कुछ मोदक की शेप में आ गया। गैस पे हम इसमें पानी डालेंगे, स्टीम करेंगे। पानी गर्म होने पे हम इसे स्टीम करेंगे। हमारा पानी गर्म हो गया है, हम एक एक करके सारे मोदक इसमें रखते जाएंगे, इन्हें स्टीम होने देंगे। देखिए हमने अपने सारे मोदक इसमें रखे हैं और हम इसे 15-20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। हम इसे ढाक देंगे एक थाली से। देखिए हमारे मोदक स्टीम हो गए हैं, हम इनको निकाल लेंगे। देखिए हमारे मोदक बनके रेडी हैं। अब हमने इस पे ये
जो है केसर वाला दूध है इसे रखा था, अपने स्पेस को थोड़ा थोड़ा डाल के डेकोरेट करें। ये हमारे मोदक बन गए हैं गणपति जी के लिए, तो ये हमारे मोदक बन गए हैं, देखिए।